देखिए दोस्तों, छेना पूड़ा का कलर कितना अच्छा आया है। अभी हम उसको डीमोल्ड करते हैं एक प्लेट के मदद से। वाह, कितना यम्मी बनेगा हमारा ये छेना पूड़ो दोस्तों। साइड का ये ब्लैक ब्लैक कलर से कितना यम्मी बन गया है हमारा छेना पूड़ो। हाय फूडीज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं उड़ीसा का एक फेमस स्वीट डिश जिसका नाम है छेना पूड़ो। छेना पूड़ो का नाम तो सुना ही होगा आप लोग ने। तो चलिए आज उसको बनाते हैं हम अपने तरीके से, एकदम सिंपल तरीके में बनेगा दोस्तों, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। छेना पूड़ो बनाने के लिए एक बर्तन में हमने 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिए हैं। अभी हम उसको गरम करेंगे और गरम करके जब उसमें उबाल आ जाए तब उसमें नींबू का रस उसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, दूध हमारा कितना अच्छे तरह से फट चुका है। अभी जो है छेना एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गया है और पानी भी एकदम सेपरेट हो गया है। अभी हम उसको एक कपड़ा की मदद से छेना को छान लेंगे। छेना में से जो पानी है उसको हम पूरी तरह, मतलब पनीर की तरह नहीं निकालेंगे दोस्तों, उसमें थोड़ा सा गीला छोड़ देंगे ताकि हमारा जो मतलब छेना पोड़ो के लिए जैसे चाहिए उसी तरह कंसिस्टेंसी में हम उसको छोड़ेंगे। देखिए अभी छेने को एक स्पैचुला के मदद से ऐसा हल्के हाथों से उसको प्रेस करना है दोस्त। अभी यहाँ मैंने डाल दूंगा 1/2 कप के बराबर चीनी। जब छेना गर्म रहेगा तभी चीनी डालना दोस्तों, ताकि चीनी जो है वो एकदम अच्छे से छेने के साथ मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर डाल रहा हूँ सूजी, एकदम आप कोई भी सूजी ले सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच सूजी लिया हूँ। अभी उसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। अभी इसको ऐसा हाथ के मदद से एकदम अच्छे तरह से मिला रहा हूँ। इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मसलना है दोस्तों, उसको ज़्यादा भरता जैसा नहीं बनाना है, उसको थोड़ा सा क्रिस्टलाइज ही रखना है। मैंने यहाँ पर डाल रहा हूँ 1/4 कप के बराबर छेने वाला पानी। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है दोस्तों, ताकि हमारा जो मिक्सर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रहे। अभी पानी डालने के बाद हम उसको थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ काजू और कुछ बादाम लिया हूँ, उसको ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा करके मैंने अपने छेना पोड़ों में डाल दूंगा दोस्तों। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। अगर थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल रियल फ्लेवर को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून घी डाला हूँ दोस्तों। अभी हमारा मिक्सर को हम थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे। अभी यहाँ पर हम एक केक टिन लेके उसमें थोड़ा सा घी अप्लाई करके उसके ऊपर ऐसा एक बटर पेपर डाल देंगे दोस्तों, एकदम अच्छे से डाल देंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा मिक्सचर है वो एकदम अच्छे से पानी पी लिया है, मतलब सूजी जो है एकदम अच्छे से पानी को सोख कर चुका है। अभी हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा पानी उस मिक्सचर में डालेंगे, एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लाएंगे। अभी ये मिक्सर को हमारा केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया हूँ, अभी मैं उसमें 1 कप के बराबर नमक डाल दिया हूँ, उसके ऊपर एक स्टैंड ऐसा प्लेस कर दिया हूँ। अभी मैं हमारा जो केक टिन है उसको प्लेस कर दूंगा। अभी इसको हम लगभग 50 से 55 मिनट्स तक बेक करेंगे दोस्तों। देखिए अभी हमारा 55 मिनट्स हो चुका है, अभी हम ढक्कन हटाएंगे। वाव, कितना यम्मी यम्मी कलर आया है देखो हमारा छेना पोड़ो का दोस्तों।
एकदम लाजवाब बना है हमारा छेना पोड़ो दोस्तों। देखिए साइड से एकदम छोड़ दिया है हमारा छेना पोड़ो, एकदम अच्छे से ब्लैक ब्लैक हो गया है। अभी हम उसके ऊपर ऐसा थोड़ा सा शुगर सिरप डालेंगे और एक ब्रश के मदद से उसको चारों तरफ ऐसा घुमा लेंगे ताकि हमारा जो ऊपर का लुक है एकदम यम्मी यम्मी आ जाएगा। वाव, देखो अभी मैंने उसको कटिंग कर रहा हूँ, उसका तो असली मजा अभी देखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों छेना पूड़ा कटिंग होके एकदम कितना अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है हमारा।